भिलाई सेक्टर 5 सड़क 2 में छत्तीसगढ़ अग्निकुल क्षत्रिय समाज द्वारा श्री कंची कामाक्षी देवी मंदिर का जीर्णोद्धार कर पुनः प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापना की गई। इस मंदिर की नींव 1994 में छोटे स्वरूप में रखी गई थी। अब समाज द्वारा 2022 में जीर्णोद्धार कर 3 दिन के भव्य आयोजन के साथ दर्शन के लिए कामाक्षी देवी का पट खोला गया। पट खोलते ही श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में मंदिर परिसर में भीड़ दिखी। पूरे कार्यक्रम को लेकर समाज के अध्यक्ष और समिति पदाधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। ये हमारी जो छत्तीसगढ़ में इकलौता मंदिर है, कंची कामाक्षी माता मंदिर, ये हमारे जो पहले पीढ़ी 1994 में सेक्टर फाइव भिलाई में छोटा सा मंदिर बनाए थे छत्तीसगढ़ अग्निकुल क्षत्रिय समाज के सौजन्य से। आज वो भव्य रूप से वो मंदिर बनाए हैं इस पीढ़ी वाले, और ये 3 दिन का जो कार्यक्रम है कंची कामाक्षी माता मंदिर, इसमें पहला दिन जो अभिषेकम हुआ, भ्रमण माता का भ्रमण, ये बालाजी मंदिर होते हुए अपना सेक्टर 5 सड़क नंबर 2 पे माता को भ्रमण किए हैं। उसके बाद ये यागशाला का पूजा हुआ है, उसके बाद गो पूजा, दूसरे दिन मंदिर का शुद्धिकरण, आज मंदिर का स्थापना है सुबह 9 बजे हुआ है। और इस अब ये स्थापना के बाद अभिषेक होगा, उसके बाद महाभंडारा होगा, उसके बाद कल से माता का दर्शन आज भी होगा, और कल से 9 बजे से 12 बजे तक, फिर शाम को 5 बजे से 8 बजे तक मंदिर खुली रहेगी। ये सभी लोगों के लिए दर्शन है, एक सिर्फ अग्निकुल क्षत्रिय नहीं, ये हिंदू धर्म में हिंदू माता है कंची कामाक्षी माता, ये शक्तिपीठ है अपना कांचीपुरम से, ये समुद्र का काला पत्थर से बना हुआ माता है। तो आप सभी दर्शन करेंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ। हमारे जो छत्तीसगढ़ में ये हमारा कुल देवता है, जो कुल देवी है, इसका अभी तक यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई माता का मंदिर नहीं है। हमें इसे हम लोग वहाँ से लेके आए थे, महाबलीपुरम चेन्नई से लेके आए, और हम इसकी हमारे जो समाज में इसका मानते हैं, हमारे जो भी शादी ब्याह जो भी ये हो, ये माता की पहली ये है कि उसका हम लोग पूजा करके ही पूजा में ये करते हैं, हमारा कुल देवी है। और ये 3 दिन में हमारे को भारी ये लग रहा है, और 3 दिन से पूरा पूजा कार्यक्रम वहाँ बाहर से आए पंडित लोग, विशाखापट्टनम से आके पंडित लोग पूजा करें, आज माता जी का दर्शन का ये है, और भारी भीड़ है, और कल से प्रातः 9 बजे से माता का दर्शन प्रतिदिन होगा, और सभी भाई सभी हिंदू धर्म के सभी लोग आके ये दर्शन कर सकते।